बागेश्वर रामलीला कमेटी का जहाँ सीता हरण का यह दृश्य है। Yeah.
जटायु का प्रसंग है, यहाँ पर जटायु जो बीच घायल अवस्था में वहाँ पर फील्ड में गिरे हुए हैं और रामचंद्र जी जो हैं उन्हें बचाने के लिए, या वो रामचंद्र जी को मिलेंगे और बहुत अच्छा प्रसंग है, आप इसका आनंद लीजिए। जनक नंदनी को अकेले छोड़कर कैसे चले आए? अब आश्रम में उसका मिलना कठिन है, यही मेरा चित्त भी कहता है। Thank you.
Thank you.
चलो माता जी को Thank you.
प्रकार से जटायु जो है रामचंद्र जी को बताते हैं कि राम तथा लक्ष्मण को माता सीता को रावण जो है उठा के ले गया। Thank you.
धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय बसंत कुमार जी एडवोकेट हाईकोर्ट, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। रामलला कमेटी बागेश्वर आपको हृदय से आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है। जो सहयोग आपके द्वारा विगत वर्षों से दिया जा रहा है, इसी तरह का सहयोग उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आगे भी हमें आपके द्वारा मिलता रहेगा। रामलला कमेटी आपका तहे दिल से नमन करती है, आभार व्यक्त करती है और हृदय से आपको प्रणाम करती है। धन्यवाद। हम 14 वर्ष के लिए बनो में और कोई राक्षस ने हमारी वैदेही को हर दिया है। शबरी हमारी कुछ मदद करो। राम तथा लक्ष्मण जो हैं, जो सबरी थी, सबरी बताती है कि आप जो हैं पंपापुर वो वहाँ बैठा दो उधर। पंपापुर जाओ गोसाई, सुग्रीव से करहूँ मिताई, तो सुग्रीव है उससे आप मित्रता करो।
जाकर देखो, दो तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं। कहीं इन्हें बाली ने तो नहीं भेजा। जो आ गया हनुमान जी से कहते हैं कि इस यहाँ जो है दो पुरुष यहाँ को आते हैं, तो उनको जो है आप लोगों ने उन्हें पता करना है कि वो कौन है। तो हनुमान जी जो है साधु का भेष धारण कर तब जाके वो रामचंद्र जी के पास जाते हैं, तो उसी का प्रसंग है। बड़ा मजा आएगा, आप इसे देखिए और बागेश्वर की रामलीला का आप आनंद लीजिए। और मेरी कोशिश है कि आप सभी को बागेश्वर की रामलीला तथा बागेश्वर के होने वाले समस्त कार्यक्रमों के बारे में दिखाऊं। तो यही कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं दिन रात, और बीच में जो है स्वास्थ्य खराब था, पहले दिन का लाइव आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन प्रभु राम की ऐसी कृपा रही कि स्वास्थ्य भी सही रहा और हर चीज़ बहुत बढ़िया रहा। तो अब जो है एकदम फिट है और आप लोगों के सेवा के लिए हम तत्पर हैं। तो आप जो है बागेश्वर की रामलीला का आनंद लीजिए, बड़ा मजा आएगा। Yeah.
Yeah.
भगवान जब भेष बदलकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं और व्यथा और अंदाजा लगाते हैं कि ये कहीं सुग्रीव के बाली के भेजे हुए आदमी तो नहीं है, तब उन्हें अंदाजा आता है कि ये जो है प्रभु राम है। और फिर जो है अपने बारे में बताते हैं कि मैं जो हूँ आपका सेवक और मेरी कोशिश है कि आपकी सेवा करूँ। यही चीज हमने सुनी थी और यही चीजें जो है आप बता रहे हैं और आप बंदरों की ओर ले जाए जहाँ बंदर जो है नन्हे मुन्ने बच्चे जो है बंदर बने हुए हैं और ये देखिए नन्हे मुन्ने कलाकार जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे बंदर बने हुए हैं। ये जो है सुग्रीव सुग्रीव का जो क्षेत्र है उनका क्षेत्र है और जहाँ से अभी हनुमान जी को भेजा गया और कहा गया कि आप जो है दो दिव्य पुरुष राम तथा लक्ष्मण के बारे में जानकारी हासिल करो कि वो कौन है। तो आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये बागेश्वर रामलीला का आप नज़ारा देख रहे हैं जहाँ जो है दर्शक जो है पूरे जोश में है और दर्शकों की कोशिश है कि हम जो है पूरी रामलीला देख के जाएँ और राम तथा लक्ष्मण की जो लीला है रामलीला उसे देखें। Thank you.
क्या राम तथा लक्ष्मण को हनुमान जी अपने साथ ले जाते हुए? Oh,
तिवाड़ी जी नमस्कार। मेरी पत्नी और संपूर्ण राज्य को मुझसे छीन लिया मतंग ऋषि के श्राप के कारण। बाली इस पर्वत में नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। और इस प्रकार से मैं एक ही बार से उस दुष्ट बाली का वध कर दूंगा। जो आगे संग्राम कर। और इस प्रकार बाली तथा सुग्रीव का बहुत जबरदस्त युद्ध होता है और उसका आप का
श्री राम। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। गर्व गरबा जो है बाहर की चीजें हैं और ये जो है हमारे घर की रामलीला है। हमारे घर रामलीला जो भैया ओ बक्षर रामलीला हिटो छिलको रंगले में। अरे 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 रंग ले हम लोग रामलीला जफनू चाचा और मैं ककड़ शहीद हूँ जी रिक्कू ककड़ मुँह और बहुत सारे चीज है जी गलगल हो गई नींबू हो गया दिन में पहली देखा ही पानी भरण मकान और वो हिसाब से ब्याह हो गया तो। और यहाँ जो है दूर जो है रामचंद्र जी जो है घात लगाए बैठे थे और क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते थे तो रामचंद्र जी को समझ में नहीं आया कि बाली कौन है सुग्रीव कौन है। तो अब जो है घायल जो सुग्रीव हैं वो रामचंद्र जी के पास आते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं, कहते हैं हे प्रभु आप मुझे पिटता हुआ छोड़ आपने मुझे बचाया था कि। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है और सुनिए और मजा करिए। तो ने वो टाइम बड़े रंगत होने पे अब जो हमारा पहाड़ा लोग थे वो तो पहाड़ी समझ के ना लेकिन जो प्लेन से थे उनके बतौन जानो कि पहली पे जो ऊंची यार हे नाथ तुम्हारे हे नाथ हे नाथ तुम्हारे कहने से झगड़ा मोल दिया मैंने दर्द छो के होनो घर घर कहानी छो बुजुर्ग लोग जो घर जानने जान पूछ इन घर में पहनने के बाद फिर जो है फिर पहचानेंगे अच्छा यह हार पहन प्रकार रामचंद्र जी को जो है बाली को जो सुग्रीव को जो है वो देते हैं उनको फिर और जाकर आजाद किससे करते हैं युद्ध
हे वाली आ जाओ बाहर और फिर से हम युद्ध करते हैं। रामचंद्र जी घात लगाए बैठे हुए हैं। बाली को तीर लगने के बाद जब रामचंद्र जी बाली के सम्मुख जाते हैं तो बाली कहते हैं कि हे प्रभु, रावण जैसे योद्धा को मैंने 9 महीने अपने बगल में कुहनी में दबा के रखा था, अगर आप मुझसे कहते तो मैं उसको तुरंत पकड़ के ले आता। तो जो बाली होता है बहुत बड़ा वीर होता है और उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है कि उससे जो भी युद्ध करता है उसकी आधी शक्तियाँ खींच कर बाली के पास आ जाती हैं। तो यही खासियत है। का छल से बदल करना है सूर वीर का करना बाली जो कह रहे हैं यह रघुवंशी का धर्म नहीं कि जो आपने मुझ पर छुप कर हमला किया। बाली, बाली कन्या अग्नि और छोटे भाई की पत्नी पर जो दृष्टि रखता है वह दुष्ट है, महापापी है। हेना आपके दर्शनों से धन्य हुआ, मैं पापी हूं, मेरा अंत यही है। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, इसे शरणागत कीजिए। पंचतत्व का यह अगम शरीर तुम्हारे सामने स्थिर है, जीव ना जन्मता है ना मरता है, शोक क्या करो, संसार चक्र की यही गति है। जो यहाँ आया है वो अवश्य जाएगा। हे
देखना था तुम तारा सुग्रीव अंगद को राजधानी ले जाओ, सुग्रीव को राज्य का तथा अंगद को युवराज का तिलक दे चले आओ। जो आज्ञा। तो अब जो है जो वहां का राजा जो है बाली के पुत्र को राजगद्दी सौंपने के बाद रामचंद्र जी के मुख्य अतिथि आज जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कौन है? नहीं वो तो नाम है ना इनका, ये क्या है आज के मुख्य अतिथि? बिल्कुल वहाँ की बजाय यहाँ पे लिया जाए। मैं नजदीक जाके तो हैप्पी कपकोटी जी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इनकी उदारता है, ये वहाँ की गद्दी छोड़ने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं। ग्रेट, बहुत सुंदर। क्या बात है, आपने फ्री वाले तो नहीं हो ना? कि कन्नो नाइनटीन दिन हमारे लिए नाइनटीन का दिन याद है कि दादा दादा बच्चे कुछ समय अंधकार का नाश हो रहा है पर क्षण भर में फिर वही अंधकार हो जाता है। आहा, उसका धार चल बरसने वाला है, मैं गड़गड़ा रहे हैं, जनक नंदनी लगती होगी। ठीक है।
कलाकार हैं ये बैठे हुए हैं अपना पाठ संपन्न करने के बाद। और ये देखे धनुष जो है रामचंद्र जी का धनुष और लक्ष्मण जी का। और धनुष जो है सुग्रीव जो है वो वहाँ अपने राज्य में मजे में है। और अभी जो लक्ष्मण जाते हैं क्रोधित होके कहते हैं कि हमने आपको सीता माता की खोज के लिए कहा था और आप जो है यहाँ मगन होके बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यह है ये चीज़ अभी तक यहाँ के स्थानीय लोगों ने जीवन कर रखा है और निरंतर कितने सालों से चला आ रहा है। इस प्रकार जो है अब जो है लक्ष्मण वहाँ क्रोधित होके जाते हैं और वहाँ जो ये कहाँ भागते हो ये ना समझ लीजिए दादू मुझे रघुनाथ के पास ले चलिए। निर्भय रहो
अब सीता की खोज का उपाय बताओ, जिसे जहां भेजना हो शीघ्र भेजो। हे मंडलो, आप तीनों दिशाओं पूरब पश्चिम दक्षिण की ओर जाओ, एक माह के अंतर्गत समाचार लाओ। अपने संग ले जाओ।
जो आ गया बक्सियावर रामचंद्र की। और इस प्रकार से मुद्रिका देने के बाद आज की लीला का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। बोल सियावर रामचंद्र की। कल अशोक वाटिका प्रसंग, लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध और लक्ष्मण शक्ति तक का कार्यक्रम रहेगा। अतः आप सभी से हमारा निवेदन है कि जैसा सहयोग आपके द्वारा हमें मिलता आया है, ऐसा ही सहयोग आप आगामी दिवसों में भी हमें प्रदान करेंगे। धन्यवाद। तो मित्रों, आज का लाइव जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा और मेरी कोशिश थी कि आप सभी को यहाँ का लाइव दिखाऊं। और रामलीला कमेटी की एक प्रयास है कि जन जन तक बागेश्वर की रामलीला को हम दिखाएं, तो आप सभी को पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और जितने भी मित्र देख रहे हैं आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नन्हा बंदर हमारा और हमारी नन्ही परी गुनगुन जो कि यहाँ बंदरिया बनने के लिए आई थी और दीपांशु बंदर बनने के लिए आया था, लेकिन इनको कपड़े ही नहीं मिले। तो ओके, नमस्कार। और कल फिर मिलते हैं और कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी दिखाएं। आज ज़रा देर हो गई, मारीच वाला आज नहीं दिखा पाए, उसके लिए क्षमा करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की।